नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हमारा वीडियो है वो एक नई मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है जिसे अभी हाल ही में भारत में फेसलिफ्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इसे भारतीय बाजार में 5.73 लाख रुपीज की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस लोकप्रिय हैचबैक में काफी कॉस्मेटिक बदलाव के साथ में कई अपडेट्स और नए फीचर्स को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस नई स्विफ्ट में आपको क्या क्या मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो लुक में हुए कुछ बदलाव इस प्रकार से हैं। इसमें फ्रंट नया ग्रिल दिया गया है जिसमें सिल्वर फिनिश के साथ में बीच में क्रोम एक्सेंट भी दिया गया है। इसमें ड्यूल टोन एक्सटीरियर के साथ में कॉन्ट्रास्ट रूफ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कुल मिलाकर इसके एक्सटीरियर को एकदम फ्रेश लुक दिया गया है। और अगर हम इसके नए फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके नए फीचर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। 2021 स्विफ्ट में क्रूज कंट्रोल, आइडल स्टार्ट और स्टॉप, चाबी से सिंक्रोनाइज ऑटो फोल्डेबल ORBMs दिए गए हैं। नई स्विफ्ट के केबिन की बात करें तो इसमें ट्विन पॉड मीटर क्लस्टर और नया 10.67 सेमी मल्टी इंफॉर्मेशन रंगीन TFT डिस्प्ले मिलता है। 2021 स्विफ्ट में 17.78 सेंटीमीटर स्मार्ट प्ले स्टूडियो इन्फो सिस्टम भी मिलता है जिसको आप स्मार्टफोन, कार और क्लाउड आधारित सर्विस के साथ में जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसके नए रंगों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो नए रंग हैं वो तीन नए ड्यूल टोन्स में जो इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर इसके तीन नए रंगों की अगर हम बात करें तो इसमें पर्ल आर्कटिक व्हाइट के साथ में पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ, सॉलिड फायर रेड के साथ पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ, पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू के साथ में पर्ल आर्कटिक व्हाइट रूफ जैसे ड्यूल टोन रंगों के विकल्प आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, इसमें वही इंजन 1.2 लीटर इंजन को काफ़ी सारा ऑप्टिमाइज करके इसके पावर को थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। अगर हम इसके पुराने पावर की बात करें तो इसमें 6000 RPM पे पहले 82 BHP की पावर मिलती थी, वहीं अब इसके पावर को 88 BHP तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 4200 RPM पर 113 Nm का पीक टॉर्क भी मिलता है। नए इंजन में आइडियल स्टार्ट स्टॉप ISS तकनीक दिया गया है जिससे पहले के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो नई तकनीक है इसका जो यूजर है वो इस तरह से होता है कि कहीं आप जब रेड लाइट पे गाड़ी को रोकते हैं तो जब आप इसको गाड़ी को स्टॉप होती है 2 से 3 सेकंड तक गाड़ी अगर ये नहीं चलती है तो ये ऑटोमेटिकली इंजन को स्विच ऑफ कर देता है जिससे कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और इसके साथ ही जो एमिशंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं जिससे कि आपके पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, और अब इसकी जो इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो इसकी जो नए स्विफ्ट में जो माइलेज आपको मिलेगा वो ARI सर्टिफाइड 23.20 मैनुअल में आपको कंपनी क्लेम कर रही है। अगर हम इसके AMT वर्जन की बात करें तो 23.76 का कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। दोस्तों, इसके सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंजन इमोबिलाइजर, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, आइसोफिक्स विद चाइल्ड सीट एंकरेजेस, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर एंड फोर्स इमीटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड बर्जर, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें दोस्तों के साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस लॉन्च होते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।